आज हम आपको बताने वाले होंगे कि कैसे आप कैश और कुकीज को क्लियर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स में। और इसको क्लियर क्यों करते हैं, क्योंकि सब कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम आने लगती है और कुछ और प्रॉब्लम आने लगती है, बैंक रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आने लगती है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको हिस्ट्री में जाकर कैश क्लियर करना पड़ता है और कुकीज़ को क्लियर करना पड़ता है। अब ये कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ जो होती है एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो आपके जिस साइट पे आप जाते हैं उस साइट के में एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में चला जाता है और आपके उस साइट पे जाने के समय और डेट को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जब आप दोबारा उस साइट पे जाते हैं तो वो आपको वेलकम करता है, क्योंकि उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। When you use a browser like Chrome, it saves some information from website in its cache and cookies. तो क्या करता है वह Chrome browser अपनी website की cookies और cache को store कर लेता है। Clear respects certain problem like loading, formatting, issue on site. और ये इसलिए करना पड़ता है clear, क्योंकि loading problem होने लगती है, hanging problem होने लगती है और कुछ और भी ऐसे इशू हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है कैश और कुकीज़ को क्लियर करके। तो हम कहाँ कहाँ इसको क्लियर कर सकते हैं, इनको हर उन डिवाइस में क्लियर कर सकते हैं जिसमें क्रोम ब्राउज़र है या और कोई ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र का हम आपको बता रहे हैं, और कोई ब्राउज़र है तो उसको आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसमें किस ऑप्शन से कैसे कैश और कुकीज़ को क्लियर करते हैं। इन क्रोम ऐप on your Android phone or tablet, open the Chrome app at the right top tab, more, tap history, clear browsing data, at the top choose the time range to delete everything, select all time. Next to cookies and site data and cache images and file, check the boxes, tap clear data. अब इसको कैसे करते हैं, हम लोग Chrome browser में चलकर देखते हैंगे कि कैसे इसको करते हैं। जब आप क्रोम ब्राउज़र में चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट मिलता है, जब इसको आप करिएगा तो यहाँ पे मोर टूल मिलेगा, या सेटिंग में जाइएगा तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइएगा, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा करिएगा तो ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। तो यहाँ देखिए क्लियर हिस्ट्रीज, कुकीज़, कैश एंड मोर, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, थर्ड पार्टीज कुकीज़ आर ब्लॉक्ड इन ईगो नाइट मोड। तो यहाँ पर जा कर के आप क्या करेंगे, देखिए ऑल अलाउ ऑल कुकीज़, अगर आप चाहते हैं कि सब कुकीज़ अलाउज हो जाए, आपका जल्दी से वेबसाइट लोड हो जाए तो यहाँ पर ऑल कुकीज़ कर सकते हैं। ब्लॉक थर्ड पार्टीज कुकी, अब अगर आप और लोगों की कुकीज़ नहीं लेना चाहते हैं तो थर्ड पार्टीज कुकीज़ को हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट रिकमेंडेड, अब सारी कुकीज़ अगर आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो आपकी जल्दी कोई साइट अपलोड ही नहीं होगी। क्लियर कुकीज़ एंड साइट डेटा व्हेन यू क्लोज ऑल विंडो, अब यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा तो आपकी क्लियर कुकीज़ एंड साइट डेटा व्हेन यू क्लोज ऑल विंडो, जब जैसे ही विंडो क्लोज होगी तो सारी कुकीज़ और उसका डेटा क्लियर हो जाएगा जो आप नहीं चाहिएगा, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें आप ब्राउजिंग में देखते हैं उसको फिर से यूज़ करना चाहते हैं। Send a do not track request with your browsing traffic, इसको भी आप कर सकते हैं, तो आपका अगर confirm कर दीजिएगा तो आपका data फिर track नहीं होगा। Preload pages for fast browsing and searching, preload pages that Chrome think you might visit, to do this Chrome may use cookies, if you allow cookies and may encrypt and send pages through Google to hide your identity for site. अब इसको हमने ऑन कर दिया जिससे कि मेरी आइडेंटिटी को कोई हाइड आइडेंटिफाई ना कर पाए, और यहाँ पे सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारी कुकीज़ दिख रही है, रिमूव ऑल कर दीजिएगा तो सारी रिमूव हो जाएगी, लेकिन करने से पहले ये सोच लीजिएगा क्योंकि इससे फिर डेटा जो है धीमे आपका एक्सेस हो पाएगा। तो हमने इसको क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकीज़ हो गई थी। ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है इसमें, आप
ऑलवेज क्लियर कुकीज व्हेन विंडोज आर क्लोज, अगर इसको कर दीजिएगा तो हमेशा हो जाएगा। साइट दैट कैन नेवर यूज कुकीज, अब कुछ ऐसी साइट है जिसमें कि कुकीज आप नहीं चाहते तो उसको आप यहाँ पे सेट कर, कुकीज सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, ये अभी हम गए थे जिसको क्लियर किया हमने, कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपनी कुकीज को और कैश के इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह से हम कुकी की इंफॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं क्रोम में। व्हाट हैपन आफ्टर यू क्लियर दिस इंफॉर्मेशन, अब क्या होता है जब आप इस इंफॉर्मेशन को क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर यू क्लियर कैश एंड कुकीज सम सेटिंग ऑन साइट्स गेट डिलीटेड, तब उससे क्या होगा, कुछ साइट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर साइन इन यू विल नीड टू साइन इन अगेन, अगर कहीं पे आप साइन इन जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, तो वो साइन इन फिर से आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो इंफॉर्मेशन थी वो आपने डिलीट कर दी। सम साइट्स कैन सीम स्लोअर बिकॉज कॉन्टेंट लाइक इमेजेस नीड टू लोड, अब आपने जब कैश क्लियर किया तो उसमें क्या हुआ, जितनी इमेजेस लोड थी जितने और इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से रिलेटेड थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो जब वो डिलीट हो जाएगी तो आपको जब दोबारा वेबसाइट लोड करिएगा तो उसको लोड करने में समय लगेगा। इफ यू आर साइन इन टू क्रोम यू विल स्टे साइन इन गूगल वेबसाइट लाइक google.com एंड youtube.com, लेकिन अगर आप क्रोम में साइन इन हैं तो आपकी गूगल की वेबसाइट और यूट्यूब की वेबसाइट जो है वो साइन इन रहेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ कैश एंड कुकीज वर्क, अब ये कैश और कुकीज जो होती है वो वर्क कैसे करती है। कुकीज आर फाइल्स क्रिएटेड बाय साइट यू विजिट, जिस साइट में आप विजिट करते हैं वो ये आपकी छोटे प्रोग्राम को बनाता है। दे मेक योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस ईजियर बाय सेविंग ब्राउजिंग डेटा, और आपके काम को वो ईजी करने के लिए आपको ये डेटा आपके हार्ड डिस्क में या आपके डिवाइसेस में डाल देता है जिससे कि आपका काम फास्ट होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट पे जाते हैं तो जल्दी आपका एक्सेस कर पाते हैं। द कैश रिमेंबर पार्ट ऑफ द पेज लाइक इमेजेस टू हेल्प देम ओपन फास्टर ड्यूरिंग योर नेक्स्ट विजिट, आपने ध्यान दिया होगा कि आपका यूट्यूब बहुत जल्दी खुल जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जितनी इमेजेस हैं पेजेस हैं वो सब आपके हार्ड डिस्क या मोबाइल में स्टोर रहती है, तो जिससे जब आप ऑफलाइन इसको खोलते हैं तब भी आपको इंफॉर्मेशन कुछ दिखती है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ पे इमेज और पेज जो होता है स्टोर हो जाता है, तो आप जब दोबारा उस पर जाते हैं तो वो जल्दी एक्सेस करता है। टर्न ऑन ऑफ कुकीज, अब ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं कुकीज़ को, अंदर हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया लेकिन फिर से बता देते हैं। सर्च इंस्टेड फॉर हाउ टू टर्न ऑन ऑफ कुकीज इन क्रोम ऑन योर कंप्यूटर, ओपन क्रोम एट द टॉप राइट कॉर्नर क्लिक मोर सेटिंग अंडर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्लिक साइट सेटिंग एंड क्लिक कुकीज, अब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे साइट सेटिंग और क्लिक कुकीज किया था। यहाँ पे देखिए कुकीज एंड अदर साइट डेटा, यहाँ पर सारी सेटिंग हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे आप जो सेट कर दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख पाइएगा। फ्रॉम हियर यू कैन टर्न ऑन कुकीज नेक्स्ट टू ब्लॉग टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑफ कुकीज टर्न ऑफ अलाउ साइट टू सेव एंड रीड कुकीज डेटा, अब ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं एक पर्टिकुलर साइट में तो उस साइट का कुकीज या तो आएगी या तो नहीं आएगी, अगर ऑफ कर दीजिएगा तो नहीं आएगी और ऑन कर दीजिएगा तो आती रहेगी। हाउ डू आई टर्न माई कुकीज एन एंड्रॉयड फोन ऑन एंड्रॉयड फोन और टैबलेट्स इन अ क्रोम ऐप ऑन योर एंड्रॉयड फोन और टैबलेट, ओपन द क्रोम ऐप एट द टॉप राइट कॉर्नर टैप मोर सेटिंग टैप सेटिंग कुकीज एंड टर्न कुकीज ऑन और ऑफ, सेम वे से जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं उसी तरह जब फोन में आप जाइएगा तो जैसे यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलता है उसी तरह वहाँ पर भी 3 डॉट मिलेगा और वहाँ पर जाकर सेटिंग में जाकर आप जैसे इस यहाँ पर ऑन ऑफ कर रहे हैं वैसे वहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऑन ऑफ है ना, सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट ये है, फिर है क्लियर कुकीज साइट व्हेन यू क्लोज ऑल विंडोज, तो जितनी भी कुकीज होगी हट जाएगी, ब्लॉक ऑल कुकीज कर दीजिएगा थर्ड पार्टी
कुकीज को हटा दीजिएगा, ये अलाउ ऑल कुकीज, सारी कुकीज को अलाउ करते हैं या पर्टिकुलर साइट की कुकीज को अलाउ करते हैं। साइट कैन यूज कुकीज टू इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल टू कीप योर साइट साइंड इन और टू रिमेम्बर आइटम योर शॉपिंग कार्ट। साइट कैन यूज कुकीज टू सी योर ब्राउजिंग एक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट साइट, फॉर एग्जाम्पल टू द पर्सनलाइज एड। अब ये सारी चीज़ें कुकीज आपकी सेव करती रहती है, जिससे कि आपकी ब्राउजिंग ईजी हो जाती है। यहाँ से आप कुकीज को हैंडल कर सकते हैं। साइट दैट कैन ऑलवेज यूज कुकी, अब ऐसी साइट ऐड कर लीजिए, ऑलवेज क्लियर कुकीज व्हेन विंडोज आर क्लोज्ड। साइट्स दैट कैन नेवर यूज कुकीज, आप किसी पर्टिकुलर साइट को चाहते हैं कि वो कुकीज ना यूज करे तो वो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुकीज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। So this is all today, viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media links. Join my Telegram channel. Go to my community answer on poll. And please watch and comment and ask the question. If any, अगर आपको ये video में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो question करिए, या कोई नया question है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।